हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अस्तर ब्लाउज़ लेकर आए हैं और ये ब्लाउज़ हम एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये टू फैब्रिक ली हैं, ये हमारे ब्लाउज की फैब्रिक है और ये हमने अस्तर वाली फैब्रिक ली है, लाइनिंग वाली। सबसे पहले हम आपको लाइनिंग पर कटिंग करना बता रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया हुआ है और सबसे पहले हम आपको ब्लाउज़ की लेंथ बताएंगे। हमारा जो ब्लाउज़ रहेगा वो हमारा 14 इंच का तैयार होगा, तो लेंथ हम यहाँ पे 16 इंच रखेंगे। तो पहले हम आपको बैक पीस की कटिंग करना बता रहे हैं। यहाँ पे हमें 16 इंच पे मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ये ब्लाउज़ हमारा 14 इंच का सिल के तैयार होगा। और जो हम शोल्डर है वो हम वैसे ब्लाउज़ में 6.5 इंच लेते, और इस ब्लाउज़ में हम कॉलर लगाएंगे तो हम 1/2 इंच शोल्डर अधिक रखेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं, तो 7 इंच तक हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। यदि आप ब्लाउज़ में कॉलर ना लगाएं तो आप शोल्डर 6.5 इंच ही रखें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर 7 इंच लिए हैं और आर्म होल्स की जो लेंथ है वो भी हम 7 इंच ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और इसके बाद जो भी ब्लाउज का साइज हो आपको उसका 1/4 भाग लेना है। जैसे कि ब्लाउज साइज है 38 इंच और 1/4 हुआ 9.5 इंच, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बनाएं आपको उसका 1/4 भाग लेना है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें कमर की ड्राफ्टिंग करनी है। कमर मेजरमेंट है 32 इंच, तो 1/4 हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद 3 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए और चुन्नटों के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो मार्क हमने किए हैं यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच है, सेंटर हुआ 3.5 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और अब हमें ऐसे गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और इसके बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच और गले की जो लेंथ है वो हम 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हम ये कॉलर वाला गला बना रहे हैं। तो बन साइड की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है और फिर हम गोलाई करेंगे। जो मार्क हमने 2.5 इंच पे किया है, एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले से हम इसे ऐसे तिरछा ड्रॉ करेंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन रखते हैं। अब हम चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करेंगे। बन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और 4 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है और लेंथ हम 6 इंच रखेंगे बैक पीस में और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक चुन्नट की ड्राफ्टिंग होती है। ब्लाउज़ के बैक पीस की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले हम गले की तरफ से कट करेंगे, फिर शोल्डर की तरफ से, फिर बैक आर्म होल्स की, और फिर हमें इसे साइड से कट करना है। तो यहाँ पर हमने इस पीस को कट कर लिया है और आप फोल्ड करके दूसरी तरफ भी चुन्नट की ड्राफ्टिंग कर लें। इसके बाद अब हम आपको फ्रंट पीस की कटिंग करना बताएंगे। यहाँ पे हमें बैक पीस को लेना है और फोल्ड करके हम इस तरह से रखेंगे। ध्यान रखें खुली साइड की तरफ हम ब्लाउज़ के गले को रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हम फ्रंट पीस की कटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद हम सेम ड्राफ्टिंग करेंगे, शोल्डर की तरफ से, बैक आर्म होल्स की तरफ से, साइड से, और लेंथ हम 1/2 इंच इस पीस से, बैक पीस से अधिक रखेंगे फ्रंट पीस की। और इसके बाद इस पीस को हम अलग करेंगे और आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे।
गले की जो चौड़ाई है वो तो हम 2.5 इंच ही रखेंगे, और लेंथ हम यहाँ पे पहले एक मार्क हम 7 इंच पर करेंगे। गले की जो फुल लेंथ रहेगी वो 7 इंच रहेगी, और दूसरा मार्क हम करेंगे यहाँ पे 3 इंच पर, क्योंकि हम ये कॉलर वाला गला बना रहे हैं और 1/2 इंच पर हमें गोलाई करनी है। हम ब्लाउज में 1/2 कॉलर रखेंगे, तो पहले हमने 3 इंच पर ऐसे बॉक्स बना के 1/2 इंच पर गोलाई की है, और यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर हमें गोलाई करनी है जो मार्क हमने 7 इंच पर किया है। इस तरह से आप गोलाई करें। तो गले की जो ड्राफ्टिंग है वो भी हो गई है, अब हम चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। वन साइड की तरफ से हम 3.5 इंच भी मार्क करेंगे, और शोल्डर की तरफ से हम 10.5 इंच भी मार्क करेंगे, और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मार्क हमने 3.5 इंच भी किया है। और इसके बाद दूसरी चुन्नट के लिए हम 1.5 इंच भी मार्क करेंगे, और ऊपर की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और ऐसे फिर हमें दूसरा मार्क फिर 1 इंच पे करना है। इसे हम आर्म होल्स की तरफ तिरछा करेंगे, और जो हमने पहला मार्क किया था 1 इंच पर, इसे हम खुली साइड की तरफ तिरछा करेंगे। दूसरी तरफ भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, और 1 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, इसे हम खुली साइड की तरफ तिरछा करेंगे। तो इस तरह हम चुन्नटों की ड्राफ्टिंग करते हैं, बहुत ही आसान है। चुन्नट की ड्राफ्टिंग के बाद आप गले की कटिंग कर लें। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हम आपको बाजू की कटिंग करना बताएंगे। बाजू की कटिंग हम बैक आर्म होल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो ये बैक पीस है, इसके आर्म होल्स का हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर आप बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लें। तो यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है, और बैक आर्म होल्स का जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। अब हमें बाजू के लिए फैब्रिक लेनी है। तो यहाँ पे हमने बाजू के लिए एक पीस लिया है, और फिर हमें ऐसे ही दूसरा पीस लेना है, और अब हम इन्हें एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी फैब्रिक है अभी हमारी फुल लेयर में है, ये हमारे 2 पीस हैं बाजू के, और आप देख सकती हैं ये खुली साइड है और ये बंद साइड है, और चौड़ाई हमने 9.5 इंच ली है आर्म होल्स के अकॉर्डिंग। लेंथ हमने इसकी 6 इंच ली है, और बाजू हमारी 4 इंच की तैयार होगी। तो 2 इंच फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए सिलाई के लिए ऐड की है, और यहाँ पे बंद साइड की तरफ से हम बाजू की चौड़ाई में मार्क करेंगे 3 इंच पर। चौड़ाई में हमें 3 इंच पे मार्क करना है, और खुली साइड की तरफ बाजू की लेंथ में हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जो मार्क हमने 3 इंच पर किया है इसे हम ऐसे तिरछा ड्रॉ करेंगे। बाजू की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है ये। और इसके बाद अब हमें मोहरी रखनी है। मोहरी हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे, जो भी आपकी मोहरी हो। पहले आप फिक्स मार्क करें, और यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग के लिए जो ये लेंथ है इसे देखना है ये कितनी है। ये 7 इंच है, तो सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच भी मार्क करना है। 1/2 इंच बाजू की तरफ हम ऐसे मार्क करेंगे, और अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारी फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग होती है। बाजू की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब आप कटिंग कर लें। पहले आप इसे साइड से कट करें, फिर बैक बाजू की कटिंग करें। इसके बाद 2 पीस आपको ऊपर की तरफ करने हैं, और फ्रंट बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद आप ब्लाउज फैब्रिक में से भी ब्लाउज की कटिंग कर लें। अभी हमने जो ये कटिंग की थी ये हमने लाइनिंग में से आपको कटिंग करना बताया था। ब्लाउज पीस में से भी सेम आप ऐसे ही कटिंग कर लें। ये लाइनिंग वाले पीस आपको इस तरह से रखने हैं, सेम ड्राफ्टिंग करनी है और कटिंग कर लें। ऐसे ही आप बैक पीस की भी कटिंग कर लें।
और इसके बाद बाजू की भी आपको ऐसे ही कटिंग करनी है। और जो ये ब्लाउज में बॉर्डर है आप इसे बैक पीस की तरफ सिल लें। तो यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग भी कर ली है और आप अब इसे सिंपल ब्लाउज की तरह सिल लें। तो यहाँ पे हमने इसे सिंपल ब्लाउज की तरह सिल लिया है और जो गला है सिर्फ हम इसमें आपको कॉलर लगाना बताएंगे। फ्रंट गले को तो हमने लाइनिंग में ही बना लिया है, बैक गले को हमने ऐसे ही रखा है। अब हम आपको इसका मेजरमेंट लेना बता रहे हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो हमारा 13 इंच आ रहा है गले का। और अब हमें ये वर्क वाला पीस लेना है। कुछ वर्क वाला पीस हमने बैक साइड की तरफ सिल लिया है बैक पीस में और कुछ हमने कॉलर के लिए रखा है। आप इसमें से भी कॉलर लगा सकती हैं या फिर आप बुकरम का भी कॉलर लगा सकती हैं। तो यहाँ पे ये पीस हमारा 13.5 इंच है और हमें तैयार 13 इंच चाहिए। और ये हमारा 13.5 इंच है, ये काफ़ी है ये पीस। तो हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और साइड में सिर्फ हमें ये सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो आप थोड़ी सी फैब्रिक रखें सिलाई में और सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आप इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद अब हम ये कॉलर लगाएंगे। ब्लाउज के पीस को हम इस तरह से रखेंगे सेंटर में इस पीस के और सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए और इस फैब्रिक को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसी तरह से हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये कॉलर लगाने का सबसे आसान तरीका है। और यदि आप दूसरी तरह से कॉलर इसमें लगाना चाहती हैं तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये कॉलर लगा लिए हैं सिंपल तरीके से। और ब्लाउज को हमने सिलना इसलिए नहीं दिखाया है, अस्तर वाले ब्लाउज की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकती हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।